हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पीनी सेटी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कर्ट लुईन मॉडल। ठीक है, कर्ट लुईन चेंज मॉडल। ठीक है, ये अपने मॉडल में बेसिकली तीन पॉइंट की बात करते हैं। वो तीन पॉइंट क्या है? अनफ्रिज, ठीक है, अनफ्रिज, देन चेंज, देन रिफ्रिज। ओके, किसकी बात करते हैं? अनफ्रिज, चेंजिंग, देन चेंजिंग। ठीक है, अनफ्रीज, चेंजिंग, देन रीफ्रीज। ओके, अब सिंपल सा एक एग्जांपल देके बताती हूँ जिससे आप इसे इजीली समझ जाओगे। ओके, अब आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, वो इस शेप में है, ठीक है, ऐसे वाली शेप में है, लेकिन आपको क्या चाहिए, वो कौन शेप में चाहिए? ठीक है, आपको आपको उसे चेंज करना है। ये एग्जिस्टिंग पोजिशन है, आपको इस कौन शेप में चाहिए, तो आप इस बर्फ के, इस आइस के टुकड़े को क्या करोगे? पहले मेल्ट करोगे। मेल्ट का मतलब इसे क्या करोगे? आप अनफ्रीज करोगे पहले। ठीक है, मेल्ट करने के लिए उसे अनफ्रीज तो करना पड़ेगा, इसे अनफ्रीज करोगे, फिर चेंजिंग, फिर आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में उसको मोल्ड करोगे। मींस कोन वाला ऐसे कोई इक्विपमेंट लाओगे, उसके अंदर वाटर को फिल करोगे, फिर फ्रीजर में रखोगे। मींस आपको इसमें आप सारी प्रोसेसिंग करोगे उसको इस शेप में लाने के लिए। फाइनली रीफ्रीज वो इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आइडिया मिला होगा। आपके पास इस शेप का बर्फ का टुकड़ा है, आपको चाहिए क्या? इस शेप का चाहिए, तो उसको इस शेप में लाने के लिए पहले आप मेल्ट करोगे, फिर इसमें उसको आप जिस ढांचे में लाना चाहते हो उसके लिए वर्क शुरू कर दोगे। फाइनली आपके पास इसी ढांचे का आ जाएगा। यही बेसिकली आपका अनफ्रीज, चेंजिंग और रीफ्रीज है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ अनफ्रीज की। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अनफ्रीज की। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज लाना है, किस तरह का चेंज लाना है? पहले एक ऑर्गेनाइजर क्या करता था, मिक्सचर बनाता था, मिक्सर बनाता था और जूसर बनाता था। ठीक है, मिक्सर अलग बनाता था, जूसर अलग बनाता था। अब क्या कर रहा है वो, अपनी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज ला रहा है। अब वो इस तरह के जूसर बना रहा है जो मिक्सी का भी काम करे और जूसर का भी काम करे, समझ रहे हो? तो वो क्या कर रहा है, पहले क्या करता था, अलग मिक्सचर बनाता था, अलग जूसर बना रहा था। अब वो इस तरह के जूसर बनाएगा जो मिक्सी का भी काम करे और जूसर का भी काम करे। अब उसे ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो कोई भी चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज आते हैं। पहले सारे वर्कर्स मैनुअल काम करते थे, उन्हें मशीनरी के थ्रू काम करना पड़ेगा। ठीक है, पहले उनके यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन सिस्टम था, अब डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम हो सकता है, वो कोई भी चेंज आ सकता है। मैंने सिर्फ ये आपको एग्जाम्पल दिया मिक्सी और जूसर का, वो चेंज किसी भी तरह का हो सकता है। अनफ्रीजिंग में आप क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो कि आपको क्या, आप चेंज की नीड को रिकॉग्नाइज करते हो। अनफ्रीजिंग में आप क्या करते हो, डिटरमाइन व्हाट नीड टू चेंज। इसमें आप ये निश्चित करते हो कि किस चीज में चेंज लाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले मिक्सी अलग बनाते थे, जूसर अलग बनाते थे, अब आपको एक ऐसा जूसर बनाना जो मिक्सर का भी काम करे और जूस निकालने का भी काम करे। ओके, तो आप सबसे पहले ये डिटरमाइन करोगे कि आपको चेंज लाना क्या, वो टेक्नोलॉजी का भी चेंज हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट का नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना, कोई किसी भी लेवल का चेंज हो सकता है, लेकिन यह सबसे पहले डिटरमाइन करोगे चेंज लाना किसने है। ठीक है, फिर ये बात आप लोगों को बताओगे, अवेयर पीपल, इम्प्लॉयज को ये बात बताओगे। सही, अब इम्प्लॉयज क्या है, जो कंटिन्यू मिक्सी अलग बना रहे थे, जूसर अलग बना रहे थे, 10 साल से यही काम कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कर रहे थे। ठीक है, उन्हें लगता था आना, बनाना और चले जाना। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे, उनको लगेगा कि हाय हमें नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, नया काम सीखना पड़ेगा, नए लोगों के साथ अपने डेस्क को शेयर करना पड़ेगा, नए लोगों की इंटरफेरेंसी करेगी, क्योंकि जो चेंज आता है तो थोड़ी बहुत हमें अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि हम जो हमारे कंफर्टेबल जोन में होते हैं उससे निकल बाहर निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर अंडरस्टैंड डाउट ऑफ इंप्लॉयज, डाउट एंड कंसर्न ऑफ इंप्लॉयज, ठीक है, एंड क्लैरिफाई। ठीक है, वो इस लेवल पे मैनेजर क्या करेगा, एम्प्लॉयज से बातचीत करेगा, उनके जो जो डाउट है उनसे पूछेगा, फिर उनको क्लैरिफाई करेगा, उनको इस स्टेप में उनको रियलाइज करवाएगा कि आपको चेंज लाना है, उनको प्रिपेयर करवाएगा चेंज के लिए। ठीक है, इस स्टेप में बस यही होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या चेंज लाना है, हमें बस उस
उस बारे में पता ही चलता है। हम एम्प्लॉयज को ये इस बारे में बताते हैं, उनको उनको अवेयर कराते हैं कि हम ये चेंज ला रहे हैं। उनकी बहुत ज्यादा डाउट होंगे, उनके बहुत ज्यादा कंसर्न होंगे, उनसे उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें रिजोल्व करते हैं, नहीं ये चेंज तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम एक नई नया बनाना सीखोगे, तुम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखोगे, पहले अभी तक तुम्हें मिक्सी और जूसर अलग अलग बना रहे थे, अब दोनों को इकट्ठा बनाना है, एक नया इनोवेशन करोगे। उनको इस तरह से मोटिवेट करना, उनके उनको प्रिपेयर करवाना बेसिकली चेंज के लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज रेजिस्ट भी करेंगे, मना भी करेंगे, क्योंकि वो अपने कंफर्ट सर की आज जरूरत है, मत लाओ ये करो, वो बहुत सारे लोगों की रेजिस्टेंस भी होगी, लेकिन मैनेजर का काम क्या, उनको समझाना, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या है, ये तो बात थी रिफ्रीजिंग की, अब हम बात करते हैं चेंजिंग की, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है, क्या है, चेंजिंग, ठीक है। अब चेंजिंग में अब एक्चुअल में उस पर काम शुरू हो जाएगा। जो मैंने एग्जांपल दिया, मिक्सी अलग बनाते थे, जूसर अलग बनाते थे, अब आपको ऐसा जूसर बनाना जो मिक्सी का भी काम करे, जूसर का भी काम करे, अब उस पर काम शुरू हो जाएगा, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो जाएगा, एग्जीक्यूशन का काम शुरू हो जाएगा, एग्जीक्यूट चेंज, आप उस पर काम शुरू कर दोगे। इसके लिए आपको लोगों को इम्पावर देनी पड़ेगी, इम्प्लॉयज को, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, उनको टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नई चीज करने जा रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक नई चीज करने जा रहे हैं, अब तक तो सारा कुछ पुराना ही कर रहे हैं, नया कम करना था उनके मन में वो, लेकिन यहाँ पे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं अंदर से थोड़ा सा ऐसे लगता है, पता नहीं सक्सेस होंगे या फेलियर मिलेगी, ठीक है। मैं चेंजिंग का मतलब क्या, इसमें एक्चुअल में काम शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मिक्सर अलग जूसर अलग, यहाँ पे आप उस तरह के जूसर को बनाना शुरू कर दोगे, इसमें आप सिर्फ लोगों को अवेयर कराते हो, और चेंजिंग में उस पर एक्चुअल में काम शुरू हो जाएगा। अब रिफ्रीजिंग में, ठीक है, आपका ये बनके तैयार हो गया जूसर, ठीक है, मींस अब आप जो नया प्रोडक्ट बना रहे हो वो आपके कल्चर, इस तरह से कोई भी हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया कुछ भी आ गया। अब इसमें क्या होता, बहुत सारे लोगों को अपने इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा था, बहुत सारे लोगों को अपना काम शेयर करना पड़ा था, बहुत सारे लोगों को जो पहले अपना काम शेयर करते उन्हें एक दूसरे से अलग भी होना पड़ा था, ठीक है, बहुत सारा चीजें हुई थी चेंजिंग में, अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन गया, आपने उस चेंज को मेंटेन करना, सस्टेन करना, आपके आपने क्या करना है, मेंटेन और सस्टेन चेंज, ठीक है, जो आप चेंज लाया उसको क्या करना है, मेंटेन करना और सस्टेन करना है, ब्रिंग इनटू ऑर्गेनाइजेशन, उसे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट बनाना, ठीक है, और क्या करना है, सेलिब्रेट सक्सेस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। अब आप सक्सेस को सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो, ठीक है, आपने सक्सेस को सेलिब्रेट कैसे करना है, जैसे मान लो किसी ने कुछ अचीव कर लिया, ठीक है, किसी एम्प्लॉयज ने कुछ अचीव कर लिया, आपने उसको उसको रिवॉर्ड देने हैं, मान लो बहुत सारे एम्प्लॉयज उस पर काम कर रहे थे, किसी ने किससे ज्यादा करा उसको मोटिवेट करना है, आपने मोटिवेट करने के उसको रिवॉर्ड देने हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी, इस तरह से आपने क्या करना है, उनकी सेलिब्रेट, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, आपने बड़ी का वेट नहीं करना, जिससे वो मोटिवेट हो जाएंगे और कंटिन्यू उस चेंज को क्या करेंगे, अपनी लाइफ का या अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटिव यही है, जो चेंज है उसे क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट बना लेना, उसको मेंटेन कर लेना। आई थिंक आपको समझ में आएगा, अनफ्रीजिंग में सिर्फ चेंज की नीड क्या है, एम्प्लॉयज को बताना, अब चेंजिंग में आप उसको क्या करोगे, एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर लोगे, रीफ्रीजिंग है वो चेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, थैंक यू।